Hello students, today we will solve exercise 2I, question number 4. Students, yesterday I have solved example number 1 of this exercise and I gave you homework example number 2 and 3. I hope you have understood and completed example number 2 and 3. Of question number A. Okay. Now we will solve example number 4. Okay. In example number 4, we have to divide 408,529 by 35. Okay. Means here we have to do division of 6 digit number by 2 digit number. ओके इस एग्जांपल में हमें क्या करना है 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है ओके एंड यस्टरडे वी सॉ दैट डिवीजन ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर हमने कल जो एग्जांपल नंबर 1 आपको एक्सप्लेन किया एंड एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 आपको होमवर्क दिया उसमें 6 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवीजन करना है ओके बट हियर वी हैव टू डिवाइड 6 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर सो वी शुड नो द टेबल ऑफ 35 कैन यू से द टेबल ऑफ 35 हैव यू लर्न नो ओके सो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टेबल ऑफ 35 ओके 35 का टेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो फिर ऐसे समय में हम क्या करेंगे फर्स्ट वी विल मेक द टेबल ओके इन अ कॉर्नर ऑफ योर नोटबुक यू कैन आल्सो मेक 35 वन्स आर 35 2, 3 are 6 plus 1, 7. This 32 are 7. Now, 35, 3 are. 3, 5 are 15. So, 15 is 5 here, 1 carry. 3, 3 are 9 plus 1, 10. Then 35, 4 are. 4, 5 are 20. So, 20 is 0, 2 carry. 4, 3 are 12 plus 2, 14. Then 35, 5 is 25. So 25 is 5 here. 5 is 15 plus 2. 17. Then 35 6 6 5 are 30. So 30 is 0. 3 here. 6 3 are 18 plus 3. 21. Then 35 is 7 7 5 is 35. So 35 is 5 here. 3 here. 7 3 are 21 plus 3 24 then 35 8 are 8 5 are 40 40 is 0 4 carry here okay 8 3 are 24 plus 4 28 then 35 9 are 9 5 are 45 so 45 is 5 here 4 carry 9 3 are 27 plus 4 27 plus 4, 31, means 315, then 35, 10 are, okay, 35, 10 are 350. So, इस प्रकार से हम सबसे पहले जो given number है, जो unknown number है, जिसका table हमें याद नहीं है, उस number का पहले हम table बनाएंगे, इस प्रकार से, okay, चाहे वो 1 digit number हो, 2 digit number हो, या 3 डिजिट नंबर हो अगर हमें टेबल बोलने में टेबल बोलते समय अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा हो या टेबल हमें नहीं आ रहा हो उस समय पे हम क्या करेंगे नोटबुक के कॉर्नर में पहले टेबल नोट कर लेंगे ओके देन टेबल लिखने के बाद बनाने के बाद हम क्या करेंगे गिवन नंबर को सिंबल्स में रखेंगे ओके हियर दिस सिंबल
ओके, ये जो डिवीजन का सिंबल है, इस डिवीजन के सिंबल के अंदर फलन डिविडेंड कितने हैं? सो डिविडेंड इज 4,8,529, 4,8,529 इज डिविडेंड एंड 35 इज डिवाइजर, सो वी राइट डिवाइजर हियर 35, ओके 35 इज डिवाइजर एंड डिवाइजर हैज टू डिजिट नंबर, देखिए 35 में टू डिजिट्स है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो उस समय में हमें डिवाइजर टू डिजिट है, इसलिए डिविडेंड के लिए टू डिजिट ही देना पड़ेगा, मींस 4040, ओके तो 35 से 40 बड़ा है, ये भी हमें ध्यान देना है कि डिविडेंड जो हम टू डिजिट ले रहे हैं तो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, अगर डिवाइजर से छोटा अगर डिविडेंड होता है टू डिजिट लेने के बाद में भी तो हम क्या करते हैं उस समय पे थ्री डिजिट लेते हैं, ओके and I told you that while doing division we start division from highest place, okay division में हम हमेशा division जब करते हैं तो highest place से left to right करते हैं, left side से right side, but addition subtraction and multiplication करते समय addition subtraction and multiplication करते समय हम right to left, right side से means one place से highest place तक सॉल्व करते हुए जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, बट डिवीजन में उल्टा है, डिवीजन में लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, मींस हाईएस्ट प्लेस से स्मॉलेस्ट प्लेस तक जाते हैं, ओके सो सी हियर हम सबसे पहले 40 को 35 से डिवाइड करेंगे एंड वी नो दैट 35 वंस आर 35 एंड 35 टू आर 70, सो वी कांट टेक 70 बिकॉज़ 70 विल 70 इज ग्रेटर देन 40, सो दैट्स व्हाई वी टेक 35 वंस आर 35, सो वन हम लिखेंगे जीरो के अबो एंड 35 में राइट हैंड का 40, नाउ सबट्रैक्ट 40 माइनस 35, ओके सो फर्स्ट वन जीरो माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो वी टेक बोरो फ्रॉम 4, सो हियर वी लेफ्ट 3, नाउ हियर बिकम्स 10, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 0, ओके 40 माइनस 35 आंसर इज 5. Now, what we will do? We will bring this number 8 here near 5. So here becomes 58. Okay. Now we will divide 58 by 35. 35 ones are 35. 35 ones are 70. So we can't take 70 because 70 is greater than 58. So what we will do? We will take 35 ones are 35. So write 35 under 58 and we wrote here 1 above the 8, 1 का नहीं है 8 के ऊपर, okay now 8 minus 5 3 and 5 minus 3 2, then we will bring 5 here, next number हम नीचे लाएंगे, in every step we will bring one more number down, okay so we will write 5 here, now here becomes 235, okay 235 को 35 से डिवाइड करेंगे, so see table of 35, 35 वाला 35, 35 का 17, 35 3 का 105, 35 4 का 140, 35 5 का 175, 35 6 का 210, 35 7 का 245, so see here, here is 235 and here there is no 235. So which number we will take? 210 or 245? Yes, we will take 220. Sorry, 210 because 245 is greater than 235. So 235 से हमें greater number नहीं लेना है. We will always take smaller number than division. Okay, means 35 6 are 210. So we write 6 above the 5. 35 6 are 210 minus 5 minus 0 5, 3 minus 1 2 and 2 minus 2 0, then next number 2 we will bring here, now here becomes 252, okay and see 252 not comes in table of 35, so which number we will take, 245 or 280? Yes, 245. 35 sevens are 245 minus
2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो हम क्या करेंगे 5 में से बोरो लेंगे, यहां बचेगा 4, यहां बनेगा 12, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, देन दिस लास्ट नंबर वी विल ब्रिंग हियर, ओके 9 मींस हियर बिकम्स 79. नाउ वी हैव टू डिवाइड 79 बाय 35 एंड वी नो 35 इज द 70 एंड 35 इज द 105. सो वी कांट टेक 105 बिकॉज़ 105 इज ग्रेटर देन 79. सो दैट्स व्हाई वी टेक 35 इज द 70. 35 इज द 70. सो वी विल राइट 70 अंडर 79. ओके 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 7 0. इट मींस हियर बिकम्स हियर लेफ्ट 9. So 9 is remainder. Okay, let's see, there is no 0. Abhi, so there is no numbers. So our division has completed here. Okay. So we will write here question. Q is equal to question. Q for question. Okay. When we divide 408,529 by 35. We got question. This is question. Okay. Division का जो answer मिलता है उसे question बोलते हैं. Question is 11,672 and remainder is equal to 9. Okay. So question is 11,672 and remainder is 9. Understood students? I hope you understood. So please write example number 4 in your notebook. Okay, write fast. I am giving you 30 seconds. Okay, completed students. I hope you have completed. Now we will solve example number 7. Okay. Now on example number 7 solve karenge. In example number 7, एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या करना है 34230 को 105 से डिवाइड करना है. ओके सो सी हियर वी हैव टू डिवाइड 5 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर. ओके अभी हमें क्या करना है 3 डिजिट नंबर से 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है. ओके सो एट दैट टाइम वी हैव टू राइट फर्स्ट टेबल ऑफ 105. ओके so we will make table of 105 first. 105 1 za 140, 105 2 za 25 za 10 0, 1 carry 2 0 za 0 plus 1 1 and 2 1 za 2 means 105 2 za 210, then 105 3 za 3 5 za 15, so 15 is 5 1 carry 3 0s are 0 plus 1, 1, and 3 1s are 3, then 105 4s are, 4 5s are 20, so 20 is 0, okay, 4 0s are 0 plus 2, and 4 1s are 4, then 105 5s are, 5 5s are 25, so 5 2 here. 5 0s are 0 plus 2, 2. Then 5 1s are 5, 525. Then 105 6 are. 6 5s are 30, so 30 is 0, 3 carry. Okay. Then 6 0s are 0, 0 plus 3, 3. And 6 1s are 6,
7 plus 3 3 and 7 is 0 plus 3 3 and 7 is 35 then 145 is 10 and 7 is 35 then 145 is 10 and 7 is 0 plus 4 4 8 8 1 5 multiplied by 9 145 9 0 is 0 plus 4 4 8 8 1 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9 is 945 and 145 is 10 10 and 9
टेबल ऑफ अननोन नंबर ऑफ डिवाइजर। ओके, अगर डिवाइजर टू डिजिट नंबर है या थ्री डिजिट नंबर है जिसका हमें टेबल नहीं आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेबल बनाना है। ओके, एंड आफ्टर मेकिंग टेबल वी विल अरेंज दिस नंबर इन सिंबल ऑफ डिवीजन। ओके, एंड इन दिस सिंबल वी राइट फर्स्ट डिविडेंड 34,230 is dividend and 105 is divisor. So we write divisor here. See here, divisor has 3 digit. Divisor को 3 digit है, इसलिए हम जब dividend को divide करने जाएंगे तो 3 digit को ही divide करेंगे। तो देखिए 105 और यहाँ हमने 3 digit लिया, so 342. So 342 is greater than divisor. ये भी हमें ध्यान देना है कि जो हम डिविडेंड जो 3 डिजिट ले रहे हैं वो डिवाइजर से बड़ा है या नहीं। सो ये डिवाइजर से बड़ा है, 342 इज ग्रेटर देन 105। ओके, सो लेट्स सी द टेबल ऑफ 105 के टेबल में 342 आता है क्या, 315 देन 420, सो 342 में ही आता है। सो बीच नंबर के लिए 105 3 जार 315 105 3 जार, सो वी विल राइट 3 अबव 2, 105 3 जार 315 subtract, okay, 2 minus 5 not possible, so what we will do, we take borrow from here, अगर हमने 4 में से 1 borrow ले लिया, 3 बचेगा यहाँ पर, बनेगा 12, 12 minus 5 7, 3 minus 1 2 and 3 minus 3 0. Now what we will do, our next step will be bring x number here, bring x number down. Now here we have 273. Now we have to divide 273 by 105. See here 273 aata hai 3 ke table 105 ke table mein, no 105 ke table mein 210 then 315. So dekhiye ye jo 273 hai नहीं आता, इसलिए हम उससे छोटा नंबर 210 लेंगे। 105 210 माइनस 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0, देन नेक्स्ट नंबर इज 0, ब्रिंग डाउन 0 हियर, नाउ हियर बिकम 630। ओके, अगर 630 को 5 से डिवाइड करना है, सो सी 630 105 के टेबल में आता है क्या? Yes, 630. कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में. It means 105 6 are 630. अगर डिविडेंड में जो नंबर है वो टेबल में आता है तो उस नंबर को हम लेंगे. कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में. Means 105 6 are 630. Now subtract. 0 minus 0 0. 3 minus 3 0 and 6 minus 6 0. It means यहाँ पर देखेंगे remainder तो 0 0 आता है. Okay, so that's why we will write here Q for question and R for remainder. See here question is 326. Question is 326 and remainder is 0. Okay, question is 326 and remainder is 0. Okay, so understood students?
आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज नोट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 आल्सो इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 7. ओके, रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आर सेम लाइक दिस एग्जांपल. ओके, जो आज मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 एंड 7 सॉल्व करके दिया, समझा के दिया, वैसे ही अदर एग्जांपल भी एग्जांपल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 के हमें सॉल्व करना है. ओके, सो कैन यू सॉल्व? यस, यू कैन सॉल्व. सो सॉल्व रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2i इन योर नोटबुक. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर बी ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट पीरियड. ओके, बाय.